आजकल हम अक्सर एक गलत आदत लोगों के अंदर देखते हैं। आजकल के लोग अक्सर कोई भी घटना हुई, कोई भी दुख की बात हुई महाराज, हर किसी को सुनाने लगते हैं। देखो आपके भले की बात करता हूँ महाराज, अपना दुखड़ा, अपना दुख दूसरों को मत सुनाना, क्योंकि ये दुनिया के लोगों की तो आजकल आदतें हो गई हैं। तुम्हारे सामने तो दो आंसू बहा करके दिखा देंगे, लेकिन जैसे ही उठेंगे तुम्हारे आगे से पीठ पीछे हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे और डींगे हाँकेंगे। अरे उसका तो काम ही है रोने का, वो तो रोता ही रहता है, वो तो ऐसे ही काम करता है, माने तुम्हें दुख देंगे। इसलिए दुनिया को अपना दुख सुनाने से बेहतर है, संसार में केवल दो ही हैं जिन्हें तुम अपना दुख सुना सकते हो, जिनसे अपने मन की सारी बात, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ कह सकते हो। और अगर वो कोई है तो एक तो गुरु है और एक गोविंद है, माने एक तो परमात्मा है और एक तुम्हारे सच्चे सद्गुरुदेव है। अगर देखो गुरु इसलिए बनाया जाता है, कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है महाराज कि हाँ गुरु मंत्र भवसागर से पार हुए ये सब तो ठीक है, पर व्यवहारिक जीवन में गुरु का क्या लाभ मिलता है। महाराज सुनो ध्यान से, गुरु इसलिए बनाया जाता है, गुरु के सामने कोई भी सुख दुख की बात हो हमें बताना चाहिए, क्योंकि केवल एक गुरु ही होते हैं। संसार के लोग तो हमारी हंसी उड़ाएंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, लेकिन एक गुरु ही है और एक गोविंद, एक भगवान ही है जो हमारा कभी इस पर मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि हमारा कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और उनको सुनाने पर भी हमको सदगति ही मिलती है, क्योंकि हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, हमारा भ्रम दूर होता है। इसलिए चाहिए जीवन में गुरु जरूर बनाना, गुरु जरूर बनाना। महाराज गुरु बिन भवन दितरई न कोई, जो भी रंच शंकर सम होई। चाहे फिर ब्रह्मा शंकर के समानी को ना सामर्थ्यवान हो कोई इस दुनिया में, बिना गुरु के भवसागर से पार वो नहीं उतर सकता। बिना गुरु के ज्ञान मिले ना ऐसा संत बताते हैं, पड़े मुसीबत जब किसी पर गुरुवर राह दिखाते हैं। देखो सज्जनों दो तरह के गुरु होते हैं, एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। सावधानी पूर्वक सुनिए ये बात, जीवन में समझना बहुत जरूरी है कि हम पहचान कर सके। देखिए शिक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कितने भी बन सकते हैं महाराज, चाहे एक चींटी भी अगर आपको पुरुषार्थ करना सिखाती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या कोई भी अच्छी बात बताती, तो वो भी आपका गुरु। कोई छोटा बच्चा भी गुरु बन सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु कौन हो सकता है महाराज? दीक्षा गुरु जीवन में एक ही बनाया जाता है। दीक्षा गुरु वो होता है जिससे हम गुरु मंत्र धारण करते हैं, जिसे जीवन में एक ही बार बनाया जाता है। और महाराज दीक्षा गुरु वो होता है, दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते पाप बंधना, जो हमको विमल ज्ञान से भगवान के नाम से पाप के बंधन से मुक्त कर दे, जो कि हमको भगवान से मिला। कई लोगों को ये आजकल भ्रांति हो गई है, इसलिए बहुत सारे पाखंडी गुरु को अपने गुरु बनाने लगे में होड़ लगी हुई है। क्या बोले, जो गुरु खुद गुरु बन करके, खुद ज्ञानी बनकर दिखा करके, आडंबर दिखाकर, लग्जरी गाड़ियां और तमाम धीले दिखा के लोगों को प्रभावित करके, चमक दमक दिखा के, और जब अपना शिष्य बनाते हैं और बाद में पता चला कि भगवान की तस्वीर, भगवान की मूर्तियां तो घरों से भिगवा रहे हैं और खुद की तस्वीर लगवा के कह रहे हैं इस दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज नहीं होती, अगर कोई भगवान है तो सिर्फ हम ही हैं, और ऐसी बातें करके भगवान की पूजा बंद करा दे, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म से हमको दूर कर दे, हिंदू धर्म से हमको च्युत कर दे। महाराज ऐसा गुरु गुरु नहीं पाखंडी होता है, ऐसे गुरु से हमें बचकर रहना चाहिए। जोश में कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए, प्रभाव में कभी मत बनाओ, होश में बनाओ। अच्छा कोई समय आया हो, जैसे कोई कथा हो, कोई नवरात्रि का समय हो, कोई पावन महीना चल रहा हो, तो उन्हें देखकर गुरु बनाओ। कई बार हमें अक्सर देखते हैं लोग चमक दमक में तो गुरुजी बना लेते हैं, बाद में पता चला गुरुजी जेल में पड़े, बाद में परेशान भी होते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य बस इतना है महाराज, गुरु ऐसे बनाओ जो आपको सदगति की ओर ले जाएं, अच्छा सत्य मार्ग बताएं, जो आपको गुरु मंत्र से भगवान से जोड़े। क्योंकि गुरु का काम क्या है, गुरु का अर्थ क्या है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, गुरु नित्य विधीयते, गुकारस्तु अंधकारस्तम रुकारस्तेज उच्चते। सज्जनों जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा सदगुरु होता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कभी भी गुरु प्रभाव देखकर नहीं, स्वभाव देखकर बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। क्या वो गुरु हमको सत्मार्ग ले जा सकता है?
अच्छा चलो एक बार बताओ, मुझे बात चली गई है, ये बताइए किस किसने गुरु दीक्षा ले ली है यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें।